नमस्कार, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। इसके लिए मैंने सामग्री ली है, ये दही है, ये मैंने 1.5 कटोरी दही को फेंट लिया है, ये मेथी दाना आधी चम्मच, आधी चम्मच जीरा, ये मैंने लिए 1/4 चम्मच हींग, ये 2 साबुत लाल मिर्च, आधी चम्मच राई, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये गरम मसाला और धनिया 1 चम्मच, बेसन 5 चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको मैंने 1 चम्मच ले लिया है, और 2 हरी मिर्च है जो बीच में से मैंने कट लगा ली है, और ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये पकौड़ी के लिए प्याज 1 मीडियम प्याज मैंने काट ली है, और ये बेसन और ये 1/2 कटोरी दही। अब जो ये 5 चम्मच बेसन है वो मैं इसमें डालूंगी बड़े बाउल में, इसको मैंने छान के लिया है, और ये दही, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें लम्स फ्री मैटर बनाना है, इसलिए इसे अच्छे से फेंट लें। इसलिए पहले कम कम दही डालेंगे और मिक्स करेंगे, उसके बाद बाकी डालेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें, अब कोई भी लम्स नहीं है इसमें। अब इसमें हम पानी मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 से 1.5 लीटर पानी डालेंगे, क्योंकि हमें कढ़ी को पकाना है, और कढ़ी को हमें कम से कम 1/4 घंटा पकाएंगे, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जितनी कढ़ी पकेगी उतना अच्छा ही बनेगा ये। अब जो हल्दी मसाला और ये जो नमक है, ये मिक्स करके हम एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें भी ये नमक है, इसमें हल्दी डाल रहे हैं, ये मसाला, धनिया पाउडर और गरम मसाला। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 1-2 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये पेस्ट तो तैयार हो गया है, अब हम गैस ऑन कर लेते हैं, उसमें ऑयल गरम करने रख देंगे। अब मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल डाल लिया है। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे मेथी दाना, सरसों और ये जीरा। इसे तड़कने देंगे। अब ये हरी मिर्ची दो, अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, भून लेंगे। और इसमें डालेंगे जो हमने हल्दी मसाला और नमक का जो पेस्ट बनाया है वो। और इसे भी हम 1 मिनट भून लेंगे अच्छे से।
अब हम इसमें डालेंगे दही और जो बेसन का बैटर हमने बनाया है। अब हम इसे लगातार उबाल आने तक चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने जो दही डाली है कई बार फट जाती है इसमें डालने के बाद। यदि हम लगातार इसे चलाते हुए उबाल आने देंगे तो ये नहीं फटेगी। अभी कढ़ी में उबाल आ गया है, अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे कम और पकौड़ी की तैयारी कर लेंगे। इसी वक्त मैं इसमें लाल मिर्ची जो पाउडर है वो भी ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब हम डालेंगे बेसन सबसे पहले बाउल में, इसी में हम डालेंगे ये प्याज, अजवाइन आधी चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, मिर्च आधी चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, ये हरी मिर्च दो बारीक कटी हुई, और ये मैंने लिए कसूरी मेथी आधी चम्मच। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब जो मैंने आधी कटोरी दही ली थी वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो ये दही है इससे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब ऑयल गरम हो गया है, अब पकौड़ियों का मैटर भी तैयार है, तो अब पकौड़ी बना लेते हैं। अब पकौड़ियों को पलट लेंगे हम। पकौड़ियों को हमें दोनों तरफ से गोल्डन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। दोनों तरफ से हमारी पकौड़ियाँ पक गई है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे पेपर पे। अब कढ़ी को पकते हुए भी 30 से 35 मिनट हो गए हैं, और इसे बीच बीच में मैं 10-15 मिनट बाद चलाती रही हूँ बार बार। अभी इसे हम 5-10 मिनट और पका लेंगे। इसमें अब मैं पकौड़े मिक्स कर लेती हूँ। इसे मैं 10 मिनट इसमें पकने दूंगी पकौड़ों के साथ। अब 10 मिनट और हो गए, अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ, और ऊपर से अब लगाएंगे हम हींग और साबुत मिर्ची का तड़का। अब तड़के के लिए मैं ऑयल गरम कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ सरसों के बीज। साबुत लाल मिर्ची, इसमें डालेंगे अब हींग। इसे डाल लेते हैं हम कढ़ी में। हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। मैं तो इसको राइस के साथ सर्व करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी ट्राई कीजिए।